मेरे घर पे पड़ा था एक वाइट कार्डबोर्ड और मुझे इसको फेंकने का मन नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा चलो इससे कुछ बना ही लेते हैं, क्योंकि वाइट था तो इस पे कोई सा भी कलर इजीली लग जाएगा और वो बहुत अच्छा लगेगा। सो मैंने ले लिया था स्काई ब्लू कलर और ये एक्रेलिक कलर मैं यूज़ कर रही थी और इसे बहुत अच्छे से मैंने इस पे कर लिया था और एक डबल कोट भी मैंने कर लिया था, ये देख सकते हैं आप ऐसे मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर तक सुखाने रख दिया क्योंकि जब भी आप कोई सा भी आर्ट पीस बनाते हैं या उसके बेस पे आप कलर करते हैं तो आप उसे सुखाने ज़रूर रख दीजिए, वरना उसके ऊपर आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि वो कलर दूसरे कलर के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये एक वेलकम मैं बनाने वाली थी, मतलब एंट्रेंस में मैं इसे लगाऊंगी। और इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया था ब्रश और एक्रेलिक कलर से ही मैं वेलकम लिखने वाली हूँ। वेलकम लिखने के बाद ये थोड़ा हल्का लग रहा था तो मैंने इस पे एक डबल कोट कर लिया जिससे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और इन्हेंस हो के इसका कलर आए। उसके बाद मैंने सेम ही इसी कार्डबोर्ड का यूज़ करके कुछ फ्लावर्स कट कर लिए थे जो कि मैं वाइट ही रखने वाली हूँ और इनके बीच में मैं येलो डॉट देने वाली हूँ जिससे थोड़ा इन्हेंस हो जाए और काफ़ी अच्छा लगे इसके साथ। सो ऐसे ही मैं और फ्लावर्स को भी कर दूँगी। फ्लावर्स कलर कर लिए थे मैंने बहुत सारे और अब थी बारी उनको अटैच करने की, तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया और इन फ्लावर्स को मैं अटैच करने वाली हूँ यहाँ पर। बहुत तो अच्छे से स्टिक होता है ग्लू गन से, आप भी ग्लू गन का ही यूज़ करें, अदरवाइज़ कोई और स्ट्रॉन्ग ग्लू है तो उसका यूज़ कर लेना। ये तो अभी से ही काफ़ी अच्छा लग रहा था बट अभी हमें इसमें बहुत कुछ ऐड करना बाकी है। और इसका लुक इन्हेंस करने के लिए मैंने यूज़ किए थे मिरर। मिरर से आप किसी भी आर्ट पीस का लुक ही चेंज कर सकते हो और मिरर्स आपको इजीली मिल जाएंगे किसी भी लोकल स्टोर पे। और ग्लू गन के साथ ही मैं मिरर स्टिक कर रही थी, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू है तो वो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ ग्लू गन इज़ द बेस्ट। एंड ये मैंने धीरे धीरे करके सारे ही मिरर्स में स्टिक करती जा रही थी, तो मिरर स्टिक करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था बट ये कुछ ऐसा बनके निकला है और बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा ये। और इसे तो मैं पक्का अपने एंट्रेंस में लगाने वाली हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही ब्यूटीफुल से आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहना।